हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप लोग का पीवाईक्यू के बेस से हर चीज़ आप लोग का एनालिसिस करने का, तब मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप लोग का। कंप्लीट साइंस का आप लोग का यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, कहीं पर भी एग्जाम होगा, आप लोग को इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। इसके लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप लोग को अगर इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आप लोगों के लिए साइंस 2 का भी और हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ सबका इसी तरीके से लेकर आने वाला हूँ। फटाफट इसको जितना हो सकता है शेयर करो और चैनल पर फर्स्ट मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अगर आप लोग बढ़ा के वीडियो देखोगे तब समझ लेना कि आप लोग कुछ भी समझने वाला नहीं है, तब बाद में यही होगा कि सर जो बताए थे वो आया नहीं था एग्जाम में। तो मेरे भाई सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैं लेसन बताने जा रहा हूँ आप लोगों का पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास टेंथ का है, देखना ध्यान से, क्लास टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पीवाईक्यू के बेस पे चल रहा हूँ बताना। सबसे पहले आप लोग को अगर ये कर लिए तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। अगर आपके छोटे भाई बड़े भाई बहन होंगे तो उनको आइडिया रहेगा एसडीटेक चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो चीज़। तो इसके लिए बोलता हूँ इसको क्लास टेंथ का है, अपना टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड खोल लेना और इसमें जो जो बताऊँगा उसको मेरे भाई करते चले जाना, टिक मार्क। अगर एक भी पॉइंट इस साइड से उस साइड हुआ, अगर आप लोग बढ़ा के कहीं पर किए तो भैया तकलीफ हो सकता है। बाद में ये मत बोलना कि भैया सर ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आप जो बताए थे वो नहीं आए। तो मेरे भाई पहले लेसन पे आ जाते हैं। पहले लेसन पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ध्यान से सुनना, एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए दिया गया है ए वाला लाइन, इसको कवर करना चाहिए आपको। जो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से ध्यान से सुन के कवर कर लेना मेरे भाई। और उसके नीचे और आओगे तो यहाँ पर एक दिया गया है ए, प्रिंस पिया याद रखना, और यहाँ पर एक कैलकुलस नाम याद रखना किसको बोला गया है। यहाँ पर लॉ दिए थे न्यूटन बाबा, उन्हीं को जो लॉ के तीनों था उसमें लिखा गया था, उस बुक का नाम था प्रिंस पिया और यहाँ पर एक कैलकुलस, समझ के रखना मेरे भाई। उसके बाद एक सर्कुलर मोशन, देखो यहीं पर एक सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान से सुना ये दोनों का डिफिनेशन आप लोग को, जहाँ पर मैं बोलूँगा डिफिनेशन तो उसको अच्छी तरीके से सिर्फ डिफिनेशन याद करना, दोनों का सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनेशन याद करना। उसके और आगे आ जाते हैं हम लोग को क्या करना है, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। उसके बाद आता है केपलर्स लॉ, देखो केपलर्स के तीनों लॉ याद करना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और आप लोग को डायग्राम भी आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन आप लोग का पहला लॉ, दूसरा लॉ एंड यहाँ पे तीसरा वाला लॉ दिया गया और ये वाला डायग्राम है, अच्छी तरीके से आप लोग को करना है केपलर्स लॉ। उसके बाद आता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पर मेरे भाई इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ, यहीं से बस इतना ही आप लोग को याद करना है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज द यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर स्क्वायर्ड ऑफ डिस्टेंस, देखना डिस्टेंस बिटवीन दिम, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया ए वाला, ए कर लेना और एक लाइन ए वाला याद कर लेना मेरे भाई, बस इतना ही आप लोग को इधर से करना है और इधर से कुछ भी नहीं मेरे भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन आप लोग को याद करना रहेगा, देखो यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका बस आप लोग को डिफिनेशन याद करना है बस, और इधर से कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल्स वाला, पहला न्यूमेरिकल्स आप लोग को करके रखना है एंड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे भाई, इधर से कुछ भी नहीं करना है, इधर भी कुछ नहीं करना। बट यहाँ पर एक वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो दिया गया, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना है, पहले ही बता के रख दे रहा हूँ, जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आप लोग को। देखो यहाँ पर जी की जो वैल्यू है उसी को आप लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। एंड उसके आगे और आते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया एक वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, देखो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी दिया। अब यहाँ पर हाइट पर जाओगे, सरफेस पर रहोगे तो क्या चेंजेस होता है, बस आप लोग का मेज़र इसका जो दिया गया डिस्टेंस वो आप लोग याद करना। और एक बात बता दूँ, जी की वैल्यू जब रेडियस आर जब आप लोग का प्लस में जाएगा, रेडियस अगर बढ़ा
तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, याद रखना। हमेशा अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ये समझ के रख लेना मेरे भाई। और उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मास और वेट, जो जो बता रहा हूँ इसका मास और वेट का सिर्फ दो दो पॉइंट याद करना, कितना, दो पॉइंट बस याद करके रख लो, बात ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके नीचे और आ जाते हैं हम लोग को, ये और क्या करना चाहिए, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मेरे भाई। हाँ, फ्री फॉल का बस डिफिनेशन आप लोग को याद करना है, फ्री फॉल का बस डिफिनेशन। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे तीन फार्मूला दिया है, इसको फार्मूले को थोड़ा सा कर लेना, और आगे आ जाओ, और आगे यहाँ पे दो दिया गया सवाल, एक और एक, ये दोनों सवाल को अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स को आपको करके ही रखना है, पहले बता दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से करके रखना है। और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का डिफिनेशन, डिफिनेशन याद करना है, याद रखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बातों को थोड़ा गौर करना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। इसमें से पहला कर डालो, और ये वाला मैं पूरा ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें से देखो ये पूरा, ये बी वाला अच्छी तरीके से करो, पहला वाला मैं ऑलरेडी बताया, एंड ये वाला केपलर्स पूरा हो गया मेरे भाई। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, वेरी 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 IMP क्वेश्चन से, इसको आप लोग को करके रखना पड़ेगा। इस तरीके से पहला लेसन जो था आप लोग का पूरा क्लियर हो जाता है। मैं सेकंड लेसन का बताता हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कौन कौन सा आप लोग को करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आओगे, एक दिया गया है डोब्राइनर के ट्राइड्स, देखो डोब्राइनर के जो ट्राइड्स हैं उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पे देखो ए वाला दिया गया डोब्राइनर के ट्राइड्स, और यहाँ पर इसका क्या करना है आप लोग को, शॉर्ट नोट याद करना है, और एक लाइन ए वाला याद कर लेना बस। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना है, न्यू लैंड ऑक्टेव को आप लोग को याद करना है, शॉर्ट नोट ही याद करना है मेरे भाई, शॉर्ट नोट। और उसके नीचे आ जाओगे तो आप लोग को मैरिट, यहाँ पर देखो ए वाला लाइन को थोड़ा कवर करके रख लेना मेरे भाई। जो जो बता रहा हूँ मैं बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करता हूँ, पहले से ही बता दो, बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर इतना कर ले तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, कोई भी एग्ज़ाम आने दो, आप लोग बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, इतना समझ लेना। जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना करके गए बस आप लोग का 35 प्लस आ जाएगा, इतना समझ के रखना। तो और आगे आ जाते तो यहाँ पर देखो एक मैरिड दिया गया है और एक डी मैरिड दिया गया मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल का, तो आप लोग को सिंपल से दोनों का क्या करना है, चार चार पॉइंट या तो तीन तीन पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ तीन तीन पॉइंट, देखो तीन पॉइंट मैरिड, तीन पॉइंट डी मैरिट का, दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोग याद कर लो, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बहुत इजी है। यहाँ पे डी मैरिट से दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मेंडलू आप लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर दिया है, वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से करना। और यहाँ पर और आगे आओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिफिनेशन है वैलेंसी का डिफिनेशन, इसका क्या होता है, एक सेल जो हमारा रहता है, इसे सेल जो रहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो सेल की कैपेसिटी है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको वैलेंसी का, एटॉमिक साइज का थोड़ा सा डिफिनेशन करके रख लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को करना क्या है, मेटालिक और नॉन मेटालिक का ए वाला थोड़ा डायग्राम के अच्छी तरीके से देख लेना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे भाई। उसके बाद एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज से जो जो बता रहा हूँ उसको सुनना, क्वेश्चन पहला करके रखो एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है आप लोग को। देखो MCQs जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स ऑड मैन और कोरिलेशन सब करना है मेरे भाई, ये करो, ये तीसरा वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना तीसरा वाला। एंड उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स में से क्या है, ए और बी करके रखो। क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन पूरा करना है मेरे भाई, पूरा पाल टोटल पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर एट वाले अच्छी तरीके से करना है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स वाला फिफ्थ वाला यहाँ पर है, फिफ्थ वाला करना है क्योंकि ये सब सिंबल छोटा छोटा है बट इसमें साइंटिफिक रीजन वेरी 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 IMP क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे तीसरा जो लेसन है आप लोग का,
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका कैसे करना है आप लोगों को ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर पहले केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन याद करना है और उसका, अब बोलोगे सर ये आएंगे क्या? हाँ मेरे भाई 100% इसके अंदर से जितना मैं बता रहा हूँ अगर करके गए तो एक भी नंबर छूटेगा नहीं मेरे भाई, अच्छा खासा स्कोरिंग करोगे। और आप लोग को बस ये बोलूँगा चैनल पे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हेल्प होने वाला है मेरे भाई, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। केमिकल इक्वेशन का भी डिफिनेशन एंड यहाँ पर देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत ईजी है, बस एक बार आप लोग को पढ़ना है। रिएक्टेंट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट साइड क्या होता है, ये तीर क्या निशान देता है, एरो क्या होता है, और एरो के जस्ट ऊपर एक डेल्टा का साइन होता है, वो क्या होता है, रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, और इनके बीच में एक प्लस का साइन क्या डिनोट करता है सब बस, और जी क्या डिनोट करता है, यल क्या करता है, यस क्या करता है, सिर्फ यही सब आप लोग को बताना है इसके अंदर अगर आया तो। बस इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग का ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ और आगे और आगे, देखो यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का अच्छी तरीके से पूरा टाइप्स आप लोग को याद करना है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का पूरा अच्छी तरीके से याद करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा ब्लैक लाइन है मेरे भाई, सब आल टोटल आप लोग को करना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एक एग्जाम्पल एक एक को यहाँ पे देखो आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, जो है आप लोग को सिंपल तरीका एक एक डिफिनेशन याद कर लो और एक एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जस्ट दिया गया उसके एग्जाम्पल्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आप लोग को एग्जाम्पल दिया, वो एक डिफिनेशन याद करो एक एक पॉइंट और एक पॉइंट ए मेरे भाई बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। और जो रेट ऑफ, देखो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल जो दिया गया रिएक्शन, इसमें से कोई भी चार पॉइंट याद करना, कि ना चार पॉइंट याद करना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करना, चार पॉइंट याद करके रखो। उसके बाद यहाँ पर देखो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर से क्या करना है तो मेरे भाई सबसे पहले एक ए करके रखो नेचर एंड एक कैटलिस्ट करके, यहाँ पर कैटलिस्ट का डिफिनेशन दिया है इसको आप लोग कर लेना, बात खत्म हो जाएगा, यही दोनों अच्छी तरीके से करो। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बस क्या करना आप लोग को, सिर्फ डिफरेंट बिटवीन याद रखना, डिफरेंट बिटवीन इसका याद करना, सिर्फ दो दो से तीन तीन पॉइंट याद कर सकते हो बस। और उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया गया है, और आगे आ जाते हैं कोरेशन, कोरेशन का सिंपल तरीका डिफिनेशन, और यहाँ पर एक रस्ट का फार्मूला दिया गया, ये चीज़ फार्मूला और कोरेशन का डिफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना मेरे भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। देखो यहाँ पर कोरेशन का दिया, दिस इज कॉल्ड अ कोरेशन, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो मेरे भाई, इसके लिए अच्छी तरीके से आप लोग को ये कोरेशन का डिफिनेशन याद करना रहेगा। एंड रेंसिडिटी का आप लोग को सिंपल सा शॉर्ट्स नोट याद करना है। अब देखो इसमें से ए वाला आप लोग का पूरा हो गया याद रखना, और इसमें से इट इज़ द रिकमेंडेड ए वाला एंड यहाँ पर ए वाला, तीन क्वेश्चन और इसमें से ए वाला दोनों वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना ही है। एंड क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं, एंड इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए देखो एक मिनट मैं इसमें भी बताता हूँ आप लोग को। देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, इसमें से एक सबसे पहले आप लोग ए वाला करो, ए हो गया एंड ए वाला हो गया, एंड ये दो क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो भी बढ़िया है मेरे भाई, ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सातवां अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर आठवां सिर्फ आइडेंटिफाई करना और मैच द कॉलम में, नौवां मैच द कॉलम, इस तरीके से तीन लेसन आप लोग का कंप्लीट होता है। चौथा वाला जो लेसन है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से क्या है। तो अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले इसमें से क्या क्या करना है आप लोग को उसको ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर एक लॉ है देखो, ए वाला लॉ को अच्छी तरीके से आप लोग को समझ के रखना पड़ेगा मेरे भाई। और आगे आ जाओ तो दिस इज द हीटिंग ऑफ दिस करंट, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना,
बस। और इधर से एक दिया गया ए वाला डायग्राम देखो, बल्ब का जो डायग्राम दिया गया है इसको कॉइल का यूजेस दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को कॉइल का यूजेस 4 से 5 लाइन में लिखने के लिए आना चाहिए। आप लोगों को 2-3 पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा मेरे भाई। और यहाँ पर MCB का पूरा आप लोग को आना चाहिए, इसके डिफिनेशन बोल रहा हूँ अभी, यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसका शॉर्ट नोट आप लोग को आना चाहिए, यूजेस किसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो इसका ए न्यूमेरिकल्स, ए न्यूमेरिकल्स आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद और क्या करना चाहिए आप लोग को, इधर से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। देखो अब यहाँ पर राइट हैंड जो रूल दिया गया आप लोग को ये करना है, याद रखना राइट हैंड थंब रूल। और आप लोग को यहाँ पर सोलेनाइड का डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। सोलेनाइड का डिफिनेशन याद रखना मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, पूरा जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से टिक मार करके। अब यहाँ पर फ्लेमिंग कहा जाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रोल इसको करना है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर का एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर का यूजेस। अब यहाँ पर ये सब मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल तरीका, सिर्फ 2 पॉइंट याद कर लेना, 2 पॉइंट याद करके रख लेना। एंड उसके बाद गैलेनोमीटर का यूजेस बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे भाई, USC यूजेस। एंड उसके और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर फराडे का लॉ जो दिया गया इसको आप लोग को करना है। एंड यहाँ पर एक फ्लेमिंग का दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले ये 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर। बट ये जो बता रहा हूँ उसको करके रखूँ, AC और DC आप लोग को उधर से मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर का इधर दिया गया है। एंड एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर, दूसरा वेरी 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 IMP क्वेश्चन है याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंडक्शन जो दिया गया उसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। एंड ये पूरा, और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन, समझ गया मेरे भाई। अब उसके आगे आ जाओ तो यहाँ पर दिया गया जो अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, यहाँ पर देखो टंगस्टन वाला हो गया, आयरन वाला हो गया, इसको आप लोग को करना है मेरे भाई। यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, 3 क्वेश्चन। बट अगर आपको टाइम मिलता है तो अदर को भी देख सकते हो, बट 3 क्वेश्चन वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, यहाँ पर वो दिया गया है कंडक्टर, इसको नहीं, क्वेश्चन नंबर 9वां को अच्छी तरीके से करना है और 10वां करना है, 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये सब आप लोग को पूरा यूजेस पूछा गया है, आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना मेरे भाई, कर सकते हो ईजिली। अगर इसमें से देखोगे तो एक TB वाला है, कहाँ गया मेरे भाई, ए वाला हो गया और 2 टंगस्टन ए वाला, 2 थोड़ा देख लेना एक बार बस। अब आ जाता है हीट से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। देखो लेटेंट हीट का आप लोगों को सिंपल तरीका डिफिनेशन याद करना है, लेटेंट हीट का देखो यहीं पर है सब कुछ आप लोग को दिया है। देखो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, देखो लेटेंट हीट स्पेसिफिक, देखो ए वाला आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। और ये डायग्राम के बिहाइंड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग को डाइजेस्ट में दिया गया नवनीत के डाइजेस्ट में इसको कर लेना मेरे भाई। और लेटेंट हीट ऑफ द वेपर, यहाँ फ्यूजन दिया इसको करना है। एंड यहाँ पर एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया इसको देखना, सिर्फ डिफिनेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। और ये वाला थोड़ा सा आप लोग को देख के रखना, वाटर और आइस का देख लो और कॉपर का देख लो, 2-3 देख के रखना बस, ये पहला दूसरा देखोगे तो भी चलेगा मेरे भाई। एंड रेगुलेशन जो दिया गया है आप लोग को आता है, पेपर में आता है तो यहाँ पर है मेरे भाई ये, या इसको थोड़ा पढ़ के रख लेना अच्छी तरीके से, पहले से ही बता के रख रहा हूँ। जो आइस वाला एक है, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर जो दिया गया, ए वाले डायग्राम के बिहाइंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए ये भी आप लोग को क्वेश्चन डायग्राम के बेस से पूछा जाएगा। इसके लिए कान को अच्छी तरह खोल के सुनो जो वर्डेस मैं बोल रहा हूँ, बाद में बोलोगे कि सर ये बताए नहीं, तो होप ऑपरेटर्स का डायग्राम आप लोग को आना चाहिए, डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए।
एक्सप्लेन करने, एंड इधर से ह्यूमिडिटी जो पॉइंट दिया, ड्यू पॉइंट है, तो ह्यूमिडिटी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। कहाँ पर डिफिनेशन गया मेरे भाई, देखो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर देखो ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर दिया गया है, इसको आप लोग को करना है। एंड यहाँ पर ये देखो एब्सोल्यूट दिया गया, देखो यहाँ पर एक दिया गया डिफिनेशन, सिर्फ डिफिनेशन एब्सोल्यूट यहाँ पर दिया है ह्यूमिडिटी, तो इसके लाइन को थोड़ा सा कवर करना चाहिए रिलेटिव। यहाँ पर एक लाइन दिया है, इसको देख, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको अच्छी तरीके से देख लेना, एक एक बार पढ़ोगे तो भी समझेगा मेरे भाई। अब यूनिट से जो दिए गए हैं, यूनिट को थोड़ा सा आप लोग को कवर करना है देखो। एंड उसके बाद और आ गया जो स्पेसिफिक हीट और द कैपेसिटी जो दिया गया, ए वाले के बिहाइंड आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसके बिहाइंड याद रखना, थोड़ा सा पढ़ के समझ के रखना, आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया गया ए वाला करके रखना, आयरन को देख लेना सिर्फ कितना स्पेसिफिक है हीट कैलोरी ग्राम, और एम सी डेल्टा ए, ये देखो हीट एक्सचेंज कैसे होता है, तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड करके दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस आप लोग को बता रहा हूँ। ए वाला पहला वाला क्वेश्चन करना है, एंड उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, अब एक्सरसाइज से देखो क्वेश्चन पहला आप लोग को करना है, क्वेश्चन पहला एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ग्राफ ए वाला, ए वाला जो दिया गया ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पर विच अदर डिसाइड दिस यूनिट ऑफ द हीट विच अदर टेम्परेचर इंटरवल इज दिस चॉइस चूसन, मतलब इसमें चुनना पड़ता है इस, तो इसको भी देख लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद इसमें से देखो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा आप लोग को करना चाहिए, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ए एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर इसको करना, और एक ए वाला करके रखना, इस तरीके से हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इसमें से मैं देना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन जो करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो इसमें से एक ए, एक प्रिंसिपल वाला और एक ए वाला एक्सप्लेन वाला। देखो मेरे भाई जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए ना उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को दे रहा हूँ, बहुत बार इंपॉर्टेंस मैं दिया हूँ और बहुत बार दे रहा हूँ, तो इसके लिए अच्छी तरीके से इसको करके रखना मेरे भाई। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो दिया रीड पैराग्राफ ना, इसको अच्छी तरीके से कर लेना मेरे भाई। पांच लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो बस यही बोलूँगा कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए पांच लेसन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसको अच्छी तरीके से करो। और नेक्स्ट वीडियो का बहुत जल्द आएगा, बट आप लोग को एक ही वर्ड बोलूँगा, जितना हो सकता है शेयर करो, और जिस पे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा ना मेरे भाई उसी का हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके लिए बोलता हूँ आप लोग अगर सपोर्ट प्यार बनाओगे तो आपका ही वीडियो फटाफट आएगा, पूरा हर चैप्टर का, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी रहेगा तो आपका ही आने वाला है। इसके लिए फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट करना है सर इस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का, तो हम लोग उससे लाने वाले मेरे भाई।